हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई एम ज़ेबा रज़ा एंड हियर वी आर एट सोहार बीच। हम लोग यहाँ पे सोहार बीच पहुँचने वाले हैं। हमारे राइट हैंड साइड पे ये सोहार आई पार्क है, जो सोहार का काफी फेमस पार्क है। इफ यू विल चेक ऑन गूगल फॉर प्लेसेस टू विजिट इन सोहार, देन सोहार आई मस्ट बी लिस्टेड इन एवरी साइट। बट आफ्टर फ्लड एंड हेवी रेन इन फेब एंड मार्च मंथ, इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम लास्ट वीक ओनली। यहाँ पे सैंड बाइक ट्रैक बना हुआ है बच्चों के लिए, और इस बीच पे हॉर्स राइड, कैमल राइड भी अवेलेबल है, और बच्चों के लिए स्पेशल पोनी राइड भी अवेलेबल होती है। यू कैन नोटिस कि फूड स्टॉल भी है, बट अभी ये ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये बीच का एंट्रेंस डिजाइन किया हुआ है, जिसमें काफी लाइटिंग्स की हुई होती थी पहले, और पार्क में भी काफी लाइटिंग्स होती थी। वीकेंड पे यहाँ पे क्राउड भी काफी अच्छा खासा रहता था। सोहार आई के अंदर बोटिंग और कायाकिंग के भी ऑप्शन अवेलेबल है। लहरें काफी तेज थी, तो हमने दूर से ही इंजॉय किया। पहले की तरह यहाँ पे भीड़ नहीं नजर आ रही थी, बट फिर भी बच्चे इंजॉय कर रहे थे। देयर वी सॉ ह्यूज क्रैब सेल। आई थिंक ये बारिश में बीच के साइड पर आ गया होगा। इट वॉज अराउंड 45 to 50 inches बिग क्रैब। Here I am sharing some old videos before that heavy rain, so you can relate and compare कि पहले कितनी रौनक लगी होती थी यहाँ पे। Hope कि पहले जैसा setup जल्दी हो जाएगा। Almost 70% functional हो गया है बीच, just food court and वो lighting वाले part ही बाकी रह गए हैं। I just opposite में सोहार बीच के, so once you are done with the beach part, you can switch to park area. यहाँ पे काफी झूले भी हैं, तो बच्चे इंजॉय भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं। बड़ों के लिए कायाकिंग, बोटिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड हियर वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।